हरियाणा की सड़कों पर राजनीतिक शंख फूंका जा चुका है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गलियां नाप रहे हैं, नए समीकरण बैठा रहे हैं। कुछ दिन पहले विनेश फोगाट की भारत वापसी पर दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पर उनके साथ नजर आए, उन्हें गदा सौंपी, मिठाइयां खिलाई। दीपेंद्र हुड्डा की कोशिश विनेश को कांग्रेस के पाले में खींचने की थी, जो अब सफल होती नजर आ रही है। सूत्रों से खबर है विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है, वो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। दरअसल न्यूज एजेंसी IANS ने फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों से विनेश के राजनीतिक भविष्य की योजनाओं के बारे में सवाल पूछा था, जिस पर परिवार ने कहा हाँ क्यों नहीं। सवाल है कि अगर विनेश चुनावी शंखनाद फूंकती है तो वो किस सीट से लड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हरियाणा की चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ वो अपनी बहन बबीता फोगाट के खिलाफ मैदान में वोटों के लिए फाइट करती नजर आएंगी। दरअसल बबीता फोगाट BJP नेता है, उनके चरखी दादरी से चुनाव लड़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस विनेश को उनके सामने उतार कर मुकाबला रोचक बना सकती है। बबीता फोगाट ने 2014 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीतने के बाद राजनीति में एंट्री ली थी। बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से टिकट दिया था, हालांकि उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर उन्हें चरखी दादरी सीट से उतार सकती है, और अगर यहां से विनेश कांग्रेस के टिकट पर लड़ी तो ये हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन जाएगी।